पंजाब का भी जिक्र हमने किया था, पंजाब के भटिंडा की बात करें तो एनआईए की रेड यहां भी चल रही थी और 6 राज्यों में लगभग 3 मामलों को लेकर एनआईए की टीम लगातार छापेमारी कर रही थी सुबह से ही। एक तो लॉरेंस बबीहा और अर्श डल्ला, ये तीनों गिरोह बहुत ज्यादा नाक में दम करने वाले गिरोह हैं और इनके सहयोगियों से जुड़े जितने भी डिटेल्स हैं उनको भी खंगाला गया। इनसे संबंधित जितनी भी जगह थी या जितने भी लोग थे उनके घरों पर या उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई। 51 जगहों पर छापेमारी कर रही थी एनआईए की टीम। पंजाब के मोगा और मानसा में भी छापेमारी चल रही थी। कुछ जगह पर छापेमारी कार्यवाही खत्म हो चुकी है, कुछ जगह अभी भी चल रही है। सुबह 5 बजे से पंजाब में भी 30 जगहों पर एनआईए की टीम की छापेमारी चल रही थी। भटिंडा, लुधियाना, फिरोजपुर और पटियाला में भी जांच कर रही थी टीम। खालिस्तानी आतंकवादियों और गैंगस्टर्स के गठजोड़ से जोड़कर ये छापेमारी देखी जा रही थी। हालांकि फिर हम कह रहे हैं कि कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, सिर्फ ये जानकारी छन छन कर सामने आ रही है। एनआईए की तरफ से अभी इसको लेकर कोई औपचारिक जानकारी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी कुछ जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हरसिमरत पोल, हमारे संवाददाता। पंजाब को लेकर वो जानकारी देने जा रही है कि कहां कहां पर किस तरह पर से छापेमारी हुई है और कहां कहां छापेमारी अभी खत्म हो चुकी है, कोई जानकारी मिल पाई है, ताजा अपडेट दीजिए हरसिमरत पोल दर्शकों को। जी बिल्कुल कमल, आपको बता दें कि आज सुबह 5 बजे से एनआईए जो है वो अपने काम पर लगी हुई थी और लोकल पुलिस को साथ लेकर अलग अलग जगह पर, पंजाब की अगर बात की जाए तो तकरीबन 30 जगह पर छापेमारी जो है और रेड जो है वो एनआईए की तरफ से की गई है। आपको बताएं कि गुप्त सूचना के आधार पर ये सभी जगह छापेमारी की गई है। हालांकि ये बात जरूर निकलकर सामने आई है कि जिस तरह से पिछले दिनों पंजाब में खालिस्तानी आतंकवादियों की गतिविधियां देखने को मिली थी, साथ ही साथ गैंगस्टर के साथ इनका क्या संबंध है, सब इसी सब मुद्दे को ध्यान में रखते हुए ये सारी जो कार्रवाई है वो करने की कोशिश की गई है। एनआईए जो है आज सुबह 5 बजे से एक्टिव है। सबसे पहली रेड जो है वो बठिंडा में की गई, उसके बाद फिरोजपुर, फरीदकोट, मोगा, लुधियाना, इस तरह से अलग अलग जगह पर जो है ये रेड की जा रही है और वहां जाकर अलग अलग लोगों की छापेमारी भी की गई और तलाशी भी ली गई, घरों की भी तलाशी ली गई है। जैसा कि आपने भी बात की अर्श डल्ला के बारे में, तो उसका एक साथी जो है जोरा सिंह, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके ऊपर हथियारों की तस्करी को लेकर आरोप लगाए गए थे और उसको आज हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल अभी तक यही जानकारी है। अर्श का नाम लगातार सामने आ रहा है, आज दिन भर हमने देखा। एक बार दर्शकों की जानकारी के लिए बताएंगे हरसिमरत, ये अर्श डल्ला है कौन, इसका क्या बैकग्राउंड है? जी अर्श डल्ला की अगर बात की जाए तो एक कुख्यात गैंगस्टर जो है यहाँ से संबंध रखता था पंजाब से, और खास तौर से अगर बात की जाए तो फिरोजपुर से उसका संबंध बताया जाता है और काफी समय से जो है वो यहाँ पर नहीं है और लगातार उसके लिए जो है छापेमारी की जा रही है, क्योंकि उसका जो मेन चीज जो है वो बताई जा रही थी कि वो पुलिस के सामने आई थी, क्योंकि जब वो पहले पकड़ा गया था तो उस समय काफी चीजें निकलकर उसमें सामने आई थी। उसी में जो चैटिंग हुई, उसके पास जो मोबाइल बरामद हुआ था उसके अंदर जो चैटिंग हुई, उस चैटिंग के अंदर ये चीज निकलकर सामने आई कि उसका एक साथी है जोरा सिंह, जिसको पकड़ने के लिए पहले भी कई बार तफ्तीश हुई थी, पर अगर इस बार एनआईए की अगर बात की जाए तो कुछ पुख्ता जानकारी जो है वो एनआईए के हाथ लगी थी और उसके बाद जाकर उन्होंने फिरोजपुर में जहां पर छापेमारी की वहां से जोरा सिंह जो है वो गिरफ्तार भी हो गया है। क्योंकि ऐसे हमने देखा कि और भी कई राज्यों में जो गैंगस्टर्स हैं उनको लेकर के छापेमारी की जा रही है, वहां पर भी उनके सारे वो सुराग छाने जा रहे थे, रिश्तेदार ढूंढे जा रहे थे। ऐसे हम कहें कि राइट या लेफ्ट हैंड होते हैं इनके, जो आगे काम चलाते हैं जब ये लोग जेल में होते हैं या कहीं और बैठकर अगर अपना सरगना चलाते हैं, तो उसको देख करके जरूर जो एनआईए है वो गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करती है। बहुत बहुत धन्यवाद हरसिमरत, जो भी अपडेट आए जरूर हम तक पहुंचाएगा ताकि दर्शकों तक हर जानकारी पहुंच सके। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।